हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। आज की वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सेंसस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है मध्य प्रदेश के सेंसस के, और ये डेटा जो है आपके एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो आइए आज बात करते हैं सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। रिसेंट न्यूज़ की यदि बात करें तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो बाबूलाल गौर जी थे, उनका निधन हो गया। ये काफ़ी दुख की बात है, तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। एनीवे, आइए स्टार्ट करते हैं सेंसस ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 1956 के बाद जब मध्य प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 1956 को, उसके बाद में मध्य प्रदेश में जो लास्ट सेंसस था अभी तक वो था 2011वां। ठीक है, 2011वां सेंसस मध्य प्रदेश में अब तक लास्ट सेंसस था। ठीक है, और ये 2011 सेंसस जो था ये छठा सेंसस था, सिक्स्थ सेंसस। मतलब मध्य प्रदेश के बनने के बाद में मध्य प्रदेश में जो सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ ये अब तक का छठा सेंसस था। ठीक है, यदि इसके बारे में बात करें जो 30 अप्रैल 2013 में, मतलब 2013 में इसकी डेटा रिलीज हुए, 2011 सेंसस के डेटा 2013 अप्रैल 2013 में रिलीज हुए, और इस डेटा के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो है 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809। कितना है? 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809। ये पॉपुलेशन है 2011 सेंसस के डेटा का। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन है। देखा जाए तो पूरे देश की पॉपुलेशन का मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो है 5.99%। मतलब पूरे देश का लगभग 6% पॉपुलेशन अकेले मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, अब बात करें कि मध्य प्रदेश का यदि पॉपुलेशन वाइज देखा है तो देश में कौन सा स्थान है। तो यदि पॉपुलेशन वाइज देखें तो मध्य प्रदेश का देश में है छठा स्थान, लेकिन इस समय है पांचवा स्थान। देखिए, छठा स्थान कब था? जब तक आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, लेकिन आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तो अब मध्य प्रदेश का स्थान है पांचवा। याद रखिएगा, 2011 सेंसस के हिसाब से देखा है तो मध्य प्रदेश का छठा स्थान था, लेकिन इस समय के हिसाब से देखा है तो मध्य प्रदेश का पांचवा स्थान है, क्योंकि तेलंगाना एक अलग प्रदेश बन चुका है, तो देखा है तो मध्य प्रदेश का पांचवा स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए और डेटा के बारे में। वैसे तो आपको पता ही है, यदि एरिया वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कितनी है? मध्य प्रदेश में इससे पॉपुलेशन ग्रोथ है 20.3%। कितनी है? 20.3% मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये जो ग्रोथ रेट होता है ये डिकेडल ग्रोथ होता है, मतलब दशकीय ग्रोथ रेट होता है। तो याद रखिएगा, ये डिकेडल ग्रोथ है, डिकेड के लिए, मतलब पूरे एक 10 साल के लिए, पूरे डिकेड के लिए ग्रोथ रेट है। ठीक है, और यदि वैसे देखा है तो पूरे वर्ल्ड वाइड देखा है तो पॉपुलेशन ऑफ 18 कंट्रीज एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश। पूरे वर्ल्ड में देखा है तो सिर्फ 18 ऐसी कंट्रीज हैं जिनका पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश का पूरे वर्ल्ड में देखा है तो मध्य प्रदेश उन्नीसवें स्थान में। सिर्फ 18 कंट्री वर्ल्ड की ऐसी हैं जिनका पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश वर्ल्ड की टॉप 19 कंट्रीज में आता है यदि पॉपुलेशन वाइज देखा है। तो इसी प्रकार से यदि मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट करना है तो एज ए स्टेट तो आप कर सकते हैं, लेकिन एज ए कंट्री भी यदि आप करना चाहें तो कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप बात करते हैं पॉपुलेशन के सेंसस के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन कितना है? 7 करोड़ 26 लाख 26 हजार 809, और ये पॉपुलेशन है 5.99%। मेल पॉपुलेशन देखा है तो मेल कितना पॉपुलेशन है? मेल पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में 51.70% मेल पॉपुलेशन है। मतलब ये तकरीबन 3 करोड़ 76 लाख है, 3 करोड़ 76 लाख पॉपुलेशन है मेल पॉपुलेशन। ठीक है, 3 करोड़ 76 लाख पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन है। फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो फीमेल पॉपुलेशन जो बाकी बचा वो फीमेल पॉपुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है। तो फीमेल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है वो है 48.30%, और ये है लगभग 3 करोड़ 50 लाख पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। यदि रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है। आपको पता ही है, मध्य प्रदेश ग्रामीण स्टेट ही बोलते हैं इसको। रूरल पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में लगभग 72.40% है, मतलब 72.4% मध्य प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन है।
तो यदि वैसे पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो 5 करोड़ 25,57,404। ज्यादा डेटा ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा 5 करोड़ 25 लाख डेटा, ये जो है मध्य प्रदेश का ग्रामीण पॉपुलेशन है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो कितना है बाकी जो बचा वो अर्बन पॉपुलेशन है, मतलब शहरी पॉपुलेशन, यह है 27.60%। तो बाकी कितना बचा, लगभग 2 करोड़ के आसपास जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश का वो शहरों में निवास करता है। ठीक है, यह है मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन वाइज डेटा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ और डेटा के बारे में। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश का, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है इंदौर। इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन निवास करता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा है तो इंदौर का पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाकी यदि हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कौन कौन से हैं, क्रोनोलॉजी में आपको दिखा रहा हूं। पहले इंदौर टॉप में आता है, ठीक है, इंदौर के बाद क्या आता है जबलपुर, इंदौर के बाद क्रोनोलॉजी में आता है जबलपुर, उसके बाद आता है सागर। ठीक है, सागर का पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पे है, फिर उसके बाद आता है भोपाल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंदौर के बाद आता है जबलपुर, उसके बाद सागर, उसके बाद भोपाल, सॉरी भोपाल, और उसके बाद आता है रीवा। तो रीवा भी पॉपुलेशन वाइज मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पे आता है, तो रीवा का भी एक स्थान है। ठीक है, यदि लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट में देखा है तो लीस्ट पॉपुलेटेड, ये मैक्सिमम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, अब हम लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट अलग ही उसमें करते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है, लीस्ट मतलब सबसे कम पॉपुलेशन, लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में कौन सा है, वो है हरदा। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है हरदा। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन हो सकता है, बट याद रखिएगा आप हमेशा, हरदा का पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सबसे कम है। ठीक है, कभी कभी लोग अलराजपुर में चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हरदा का पॉपुलेशन सबसे कम है। यदि पॉपुलेशन का डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन यदि हम देखें तो पॉपुलेशन का जो क्रोनोलॉजी है सबसे कम हरदा में है। हरदा के बाद आता है उमरिया, उमरिया आपको पता है ये शहडोल संभाग में है। उमरिया के बाद आता है श्योपुर, श्योपुर कौन संभाग में आप जरूर कमेंट करिए, चंबल संभाग में तो नहीं है, डिंडोरी, फिर डिंडोरी आता है, डिंडोरी कौन से संभाग में है, यह है ग्वाल जबलपुर संभाग में, और फिर आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर बात करेगा कौन संभाग में है, देखेगा कहीं इंदौर में तो नहीं है। तो ये आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्रोनोलॉजी में, ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, सबसे कम है हरदा का, उसके बाद है उमरिया का, फिर है श्योपुर का, फिर है डिंडोरी का, और फिर है अलीराजपुर का। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिरुल ट्राइब और सिरुल कास्ट का जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम बात करें तो कितना है, देखिए मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है वो इस समय 15.6%। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है 15.6%। ठीक है, और ये पॉपुलेशन यदि डाटा में देखें तो लगभग है 1 करोड़ 13 लाख, 1 करोड़ 13 लाख, फिर बाकी भी डिजिट है, 1 करोड़ 13 लाख 42,320, बट 1 करोड़ याद रखिएगा, 1 करोड़ 13 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, 15.6% पॉपुलेशन सुरुल कास्ट का है। सुरुल ट्राइब की यदि बात करें, सुरुल ट्राइब का मध्य प्रदेश में जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, वो है 21.10%। 2011 के सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश में सुरुल ट्राइब का पॉपुलेशन है 21.10%, और ये पॉपुलेशन हम डेटा की बात करें तो ये है 1 करोड़ 53 लाख, 1 करोड़ 53 लाख पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में सुरुल ट्राइब का पॉपुलेशन है, 1 करोड़ 53 लाख 16,784। तो ये है मध्य प्रदेश में सुरुल ट्राइब का पॉपुलेशन। तो यदि SC/ST के पॉपुलेशन को यदि हम इकट्ठा कर दें तो ये लगभग है 36.70%। इन दोनों का पॉपुलेशन इकट्ठा करें तो ये लगभग 36.7% पॉपुलेशन अकेले मध्य प्रदेश में SC/ST का पॉपुलेशन है। OBC के पॉपुलेशन का डेटा नहीं है, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कास्ट सेंसस कराया उसे डेटा रिलीज नहीं किए, एनीवे हमारे पास OBC का डेटा नहीं है, लेकिन शायद आने वाले फ्यूचर में आ जाए तो उसके बारे में बात करेंगे बाद में। कौन से 4 स्टेट हैं जिनका पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है, वो स्टेट है पहले तो उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, दूसरे नंबर पे टॉप से टॉप पे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे है, तीसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे है बिहार, और फिर पांचवे नंबर पे है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। तो ये पांच स्टेट्स हैं, चार स्टेट हैं जिनका पॉपुलेशन मध्य प्रदेश से ज्यादा है। अब आइए बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में, और वो डेटा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का कितना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेक्स रेशियो हम एक कॉलम बनाते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो होता क्या है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर थाउजेंड ऑफ मेल्स, 1000 पुरुषों में कितनी संख्या है महिलाओं की, इसे बोलते हैं सेक्स रेशियो। 2011 के सेंसस की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो है 931। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 931, ठीक है। और नेशनल यदि एवरेज की बात करें, पूरे देश का यदि बात करें, मतलब सेंटर की यदि बात करें, तो सेंटर का सेक्स रेशियो कितना है वो है 943, 943 सेक्स रेशियो सेंटर का है पूरे भारत का, और मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 931। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण डेटा है, ठीक है। और यदि बात करें तो पहले सेक्स रेशियो कितना था मध्य प्रदेश का, तो पहले सेक्स रेशियो था मध्य प्रदेश का 919 मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो था पहले, मतलब 2001 के सेंसस के हिसाब से। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश से काफी कुछ ग्रोथ पाई है, बिकॉज चाइल्ड सेक्स रेशियो में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का फोकस रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो काफी बेटर हो गया है पहले की तुलना में, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और वो है बालाघाट। बालाघाट एक ऐसा बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। मतलब देख सकते हैं बालाघाट में वुमेन एम्पावरमेंट काफी बढ़िया है, और बालाघाट का सेक्स रेशियो इस समय 1021। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनका, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है, उनको काफी कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। जैसे जो चंबल संभाग के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसे कि मुरैना हो गया, भिंड हो गया, ग्वालियर हो गया, ग्वालियर तो हालांकि ग्वालियर संभाग में आता है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनका सेक्स रेशियो काफी खराब है, इन्हें काफी कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। यदि वहां के लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो आपसे मेरा सजेशन है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सेक्स रेशियो इंप्रूवमेंट करने के लिए आप डेफिनेटली अच्छे कदम उठाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप डिस्ट्रिक्ट आते हैं। बालाघाट का तो डेफिनेटली टॉप में है सेक्स रेशियो में, टॉप कंडीशन में है। बाकी सेक्स रेशियो की हम क्रोनोलॉजी बात करें तो बालाघाट टॉप में है, उसके बाद आता है अलीराजपुर। अलीराजपुर का दूसरे नंबर पर स्थान है, ठीक है, और अलीराजपुर के बाद आता है तीसरे नंबर पर मंडला, मंडला आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जो टॉप में सरफेस करते हैं मध्य प्रदेश के, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला, ठीक है। अब लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। देखिए एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सेक्स रेशियो अच्छी है, और वो है डिंडोरी। डिंडोरी है चौथे नंबर पे, और याद रखिएगा 2011 के सेंसस के हिसाब से ये चार डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है, और ये काफी अच्छी बात है। इन चार डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो 1000 से ज्यादा है, और यदि सबसे कम सेक्स रेशियो की हम बात करें तो वो है डिस्ट्रिक्ट सबसे कम सेक्स रेशियो पूरे मध्य प्रदेश में है भिंड का। भिंड का सेक्स रेशियो सबसे कम है, भिंड का सेक्स रेशियो इस समय है सिर्फ 837, 837। तो भिंड का सेक्स रेशियो, भिंड कह रहा हूं, भिंड का सेक्स रेशियो है सिर्फ 837, काफी कम है, 850 से भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम है। यदि क्रोनोलॉजी की बात करें तो भिंड का सबसे कम है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मुरैना, और तीसरे नंबर पे आता है ग्वालियर। ये तीन डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका सेक्स रेशियो काफी कम है। पहले सबसे कम है भिंड का, उसके बाद है मुरैना, उसके बाद है ग्वालियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स विद सेक्स रेशियो मोर देन, ये तो हमने बात कर लिया। यदि हम मध्य प्रदेश की रियली बात करें, मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या लगती है सेक्स रेशियो में, तो आपको पता है मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है, 931, 931 सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का। पूरे भारत का सेक्स रेशियो है 943। तो यदि मध्य प्रदेश की रैंकिंग की बात करें तो मध्य प्रदेश की रैंकिंग लगती है 18th, पूरे ऑल ओवर इंडिया में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 18th है। अभी ये डेटा हमें देखना पड़ेगा, क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि दो नए स्टेट, मतलब जैसे एक तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ये डेटा 2001 सेंसस का है, 2011 सेंसस का है, 2011 के बाद में आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो वो डेटा थोड़ी अलग है, लेकिन ये डेटा 2011 सेंसस के हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2011 सेंसस के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो रैंकिंग ऑल ओवर इंडिया में सेक्स रेशियो में है 18वीं, लेकिन जो अगला सेंसस होने वाला है 2021 वाला, तो उसमें शायद चेंज हो जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में
तो जो भी सक्सेस रेशियो होगा, लेकिन पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पहले ऑल ओवर इंडिया में 29 स्टेट हुआ करते थे और 7 यूनियन टेरिटरी होती थी, ठीक है। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में है 28 स्टेट, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। तो पूरे देश में सिर्फ 28 स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हो गई 9, ठीक है, 9 यूनियन टेरिटरी हो गई है। तो पूरे देश में देखा जाए तो 18वीं से रैंक हो सकता है इंडिया की थोड़ी शिफ्ट हो जाए। एनीवे फिलहाल आप याद रखिए मध्य देश की ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग है 18वीं, कितने स्टेट में, 29 स्टेट्स में, ठीक है। सेक्स रेशियो वाइज पोजीशन आप मध्य प्रदेश और इंडिया में 18वीं है, और ये यूनियन टेरिटरी भी शामिल कर लें मतलब 29 यूनियन टेरिटरी, 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब तकरीबन 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इससे मध्य प्रदेश की रैंकिंग है 20th, मध्य प्रदेश की ऑल ओवर इंडिया में रैंकिंग है 20वीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रूरल सेक्स रेशियो की बात करेंगे और अर्बन सेक्स रेशियो की बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण सेक्स रेशियो है, रूरल सेक्स रेशियो, काफी बढ़िया है, काफी बढ़िया है मध्य प्रदेश का रूरल सेक्स रेशियो, और वो है 936। काफी बढ़िया रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के रूरल सेक्स रेशियो का। अर्बन सेक्स रेशियो की बात करें तो काफी कम है। क्यों कम है? क्योंकि अर्बन एरिया में थोड़ी सी भ्रूण हत्या के मामले आते हैं और इसलिए वहां पे लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो रूरल सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का 936 है, याद रखिएगा। अर्बन सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का 918, जिसमें काफी अलार्मिंग है, काफी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है 26 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हैव सेक्स रेशियो मोर देन नेशनल सेक्स रेशियो। तो याद रखिएगा 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो पूरे ऑल ओवर इंडिया के सेक्स रेशियो से ज्यादा है, मतलब इनका सेक्स रेशियो 943 से काफी ज्यादा है। 26 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जिनका सेक्स रेशियो 943 से ज्यादा है, जो कि नेशनल एवरेज है, ठीक है। एमपी के एवरेज सेक्स रेशियो जो कि 931 है, तो ये भी आप याद रखिएगा। 931 किस डिस्ट्रिक्ट का सेक्स रेशियो है? ये है रीवा का। रीवा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश के सेक्स रेशियो से मैच करता है। रीवा का सेक्स रेशियो भी 931 है और पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश का भी सेक्स रेशियो 931 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो मध्य प्रदेश का है 918, तो याद रखिएगा ये काफी अलार्मिंग है, 918 काफी कम है। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो है 931, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो है 918। इसका मतलब यह है कि अगले आने वाले दशक में मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो घट भी सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में सेक्स रेशियो कैसे इंप्रूव हुआ, ठीक है, यह डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। 1901 का जो सेंसस था, 1901, तो जो मध्य भारत की एरिया थी, मध्य प्रदेश तो उस समय था नहीं, मध्य भारत का जो एरिया था, सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोल सकते हैं, उसका जो सेक्स रेशियो था वो था 990, मतलब जो इस एरिया का, ये जो चार स्टेट थे ना मध्य प्रदेश में, कौन कौन से स्टेट थे, एक तो सेंट्रल प्रोविंस था, दूसरा क्या था, मध्य भारत एक स्टेट था, ठीक है, और तीसरा स्टेट क्या था, विंध्य प्रदेश भी एक स्टेट था, और चौथा स्टेट था भोपाल अपने आप में एक स्टेट था। ये चार स्टेट को यदि मिला दें तो इन स्टेट का सेक्स रेशियो कितना था, 990 1901 सेंसस के हिसाब से, ठीक है। और ऐसा ही कुछ रहा 1971 से लेकर 1981 तक, लेकिन बाद में घटना शुरू हुआ 1971 से, सॉरी, दो लगातार डिकेड्स तक के सेम रहा लगभग 1921 तक, बाद में 1971 से लेकर 1981 तक ये घटता गया। फिर 1991 सेंसस की बात करें तो सबसे कम था, तो मध्य प्रदेश में किस डिकेड में सबसे कम सेक्स रेशियो था, वो था 1991 में, काफी अलार्मिंग था, आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे, 912। 1991 में मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो था 912, जो कि काफी कम था। और फिर इसके बाद फिर से बढ़ना शुरू कर दिया, और जैसा कि आप जानते हैं 2011 के सेंसस में मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो काफी बढ़िया है और ये है 931, ठीक है। और अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। देखिए, इसमें जो है ट्रांसजेंडर्स 2011 के सेंसस में, 2011 जो सेंसस हुआ, इसमें जिनको आप किन्नर बोलते हैं, ट्रांसजेंडर्स, इनका भी डेटा लिया गया, ट्रांसजेंडर्स का भी डेटा लिया गया।
मतलब इनका भी डेटा इस समय 2011 सेंसस में हमारे पास में है, ठीक है। और सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दो कास्ट ऐसी हैं जिनका कम्युनिटी ऐसी है जिनका कास्ट बेसिस सेंसस किया गया, बाकी लोगों का कास्ट बेसिस सेंसस जो डेटा गवर्नमेंट के पास में होगा वो लेकिन गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया। तो ये है, और ये रिलीज कब हुआ पूरा सेंसस, ये रिलीज हुआ 1 मार्च 2011, 1 मार्च 2011 को ये सारा सेंसस का डेटा रिलीज हुआ। तो ये हमने बात किया सेंसस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पूरे मध्य प्रदेश के सेंसस के बारे में, सब कुछ बात करेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, मेल चाइल्ड मतलब अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम एक नया कंपेरिजन करेंगे। सभी सेंसस का डेटा अभी हमारे खत्म नहीं हुए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम कंप्लीटली समराइज करेंगे, 20-25 मिनट में आपको कंप्लीट सेंसस का डेटा मिल जाएगा, बिल्कुल समराइज वीडियो रहेगा, वो वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, नीचे कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड टेक केयर।